हे गाइस, गुड इवनिंग। अभी शाम भी हो चुका है, तो आज जो है मैं थोड़ा सा अपना सुपारी बागान का थोड़ा सा टूर कराऊंगा। सुबह जो है मैंने थोड़ा सा सफाई किया था और अभी जो है थोड़ा सा सफाई करूंगा वहाँ पे। तो आप लोग थोड़ा वीडियो भी देखते रहना दोस्तों, मेरा सुपारी बागान को देखने के लिए। तो दोस्तों मैं पहुँच चुका हूँ मेरी सुपारी बगीचे पर, और इसमें देखिए छोटे छोटे अभी नर्सिंग कर रही है, पर अभी पूरा जो है ग्रास आ चुके हैं, देख सकते हैं एकदम ग्रास निकल आ गए हैं, और इसको सफाई करना पड़ेगा। दोस्तों एक दिन में ये पूरा नहीं होगा सफाई, तो लगभग 3-4 दिन लग सकता है दोस्तों पूरा सफाई होने में। और अभी जो है ये दवाई, तो दोस्तों काल नहीं तो परसों में पूरा ये जो है सुपारी बागान को, सुपारी बगीचे को पूरा मैं दवाई मरने वाला हूँ। और यहाँ पे जो है अंदर में सुबह को मैं बहुत ही सारे वो देखा था बम्बल बीज, छोटे छोटे वाला बम्बल बीज है ना, उस साइड में है, इसलिए मैं वहाँ पर नहीं जाऊँगा दोस्तों। उसमें जो है बहुत ही बम्बल बीज है, तो उसको दोस्तों अगर बाई चांस हाथ में लग गया तो हमें खाद सकते हैं ना, तो उससे भी बचना चाहिए। और देखिए एकदम ग्रास उग गया, पहले भी मैंने पूरा ये साफ सफाई कर चुका था दोस्तों, और सुबह को उस साइड में किया था। तो फिलहाल मैं जो है यहाँ से थोड़ा सा सफाई करता हूँ, जब तक सूरज डूब जाए दोस्तों यहाँ पर मैं सफाई करता हूँ। और तो दोस्तों मैं जो है अभी ग्रास को काटने वाला था, तो मुझे फिर से और एक बम्बल भी दिखाई दिया दोस्तों, एकदम छोटे वाला, छोटे छोटे हो ना वो बम्बल बीज, तो वो दिखाई पड़ा है मुझे। अभी मैं जो है पेड़ को वहाँ पे रखने वाला था, तो अभी जो है दो बम्बल्स भी उड़ के आ गए थे, तो मुझे मालूम हो गया यहाँ पे बम्बल्स भी है उड़ के। तो दिखाता हूँ एक बार, यहाँ पे देख सकते हैं ये वाला, ये रहा, बहुत ही खतरनाक होती है दोस्तों, ये देखिए। तो इसको ऐसे रहने देते हैं दोस्तों, उन्हें मैं डिस्टर्ब नहीं करूंगा दोस्तों। तो फिलहाल मैं थोड़ी दूर जाता हूं, उन लोगों को भी डिस्टर्ब नहीं करना है। तो यहां से मैं अभी सफाई करूंगा जितना हो सके, जब तक सूरज डूब ना जाए दोस्तों। आज तोरा कल तोरा, तोरा तोरा करके जो है वो ग्रास को काटना है।
तो दोस्तों अभी मैं जो है ये सफाई करते करते मेरा थोड़ा सा एक तरह आइडिया आ गया है मुझे। एक्चुअली मुझे जो है पूरा ग्रास को नहीं काटना है दोस्तों, तो मैंने गलती कर रहा था और ऐसे पूरा जो है एकदम जोर लगा के ये सब ग्रास को काट रहा था, पर एक्चुअली ऐसे नहीं काटना है दोस्तों। तो मेरा एक आइडिया आ गया दोस्तों, मैं बता दूँ ऐसे पूरा को काट नहीं पाएंगे हम, बहुत ही टाइम लगेगा। तो इसके लिए मैंने जो है आइडिया लगाया, बस वो जो सुपारी है ना, ये सुपारी तो सिर्फ इसके वो आसपास में इसको सफाई करना है, और बाद में जो है ये जो सामने वाला ग्रास होगा ना उसको मैं दवाई दे दूँगा इसे भी। तो सबसे पहले अभी मैं इस तरह का पूरा जो है ये सफाई करता हूँ, ये देखिए पहले इसको ऐसे सफाई करना होगा, तभी जल्दी होगा ना। ऐसे सफाई करने से दोस्तों बहुत ही जल्दी मेरा काम ख़त्म होगा, और जितने भी मतलब कि सुपारी का पेड़ है ना छोटे छोटे, तो ये सब को जल्दी कर पाऊंगा मैं सफाई, मतलब कि ये ग्रास को। और बता दूं दोस्तों ये जो ग्रास है ना बहुत ही स्ट्रांग है, एकदम काटने से भी नहीं टूटता है, देख सकते हैं एक साथ में बहुत है, इसलिए एक बार में काट नहीं सकता दोस्तों। तो इसको दो तीन बार या चार बार इसको काटना पड़ता है, तभी काट जाते हैं, बहुत ही तकलीफ़ होती है। तो इसलिए मुझे जो है सुपारी के पेड़ को देख देख के जो है सफाई करना होगा, इससे अंदाजुन ये पूरा जो है इसको सफाई नहीं करने से भी हो जाएगा दोस्तों, इसे भी इसको दवाई देना है ना। तो दोस्तों वही आइडिया जो है मैं अभी यूज़ करने वाला हूँ, वही आइडिया जो मेरे दिमाग में आ गया, बाद बाकी तो इसे भी दवाई देने से मर जाएगा दूसरा वाला ग्रास है। काफ़ी गर्मी है, फिर भी सूरज तो डूब रहा है पर फिर भी गर्मी है। सुपारी के पेड़ अभी तक ये जो है मैच्योर नहीं हुआ, मैच्योर होने में लगभग और तीन चार लगेंगे, तो तीन चार के बाद जब मैच्योर हो जाएंगे दोस्तों तभी सुपारी आ जाएंगे पेड़ों के ऊपर। और दिखा रहा हूँ दोस्तों, तो यहाँ देखिए ये देखिए ग्राउंड देख सकते हैं, ये पूरा इलाका देखिए सुपारी की पेड़ छोटे छोटे हैं काफ़ी, और ये सब मेरा ही है दोस्तों। और ये जब पूरा का पूरा बड़ा हो जाएंगे ना तब ये फ्यूचर के लिए काम देंगे दोस्तों, जब कमाई नहीं होगा ना दोस्तों तो ये सब सुपारी काम आएंगे, मतलब कि पैसे के लिए। आजकल सुपारी बहुत ही पैसा देने लगता है। और यहाँ पे देखिए दोस्तों बहुत सारे चींटी हैं, काले काले चींटी घर बनाया है यहाँ पे।